देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या कांग्रेस? क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं? ये सवाल आज देश हित में इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का विरोध किया है जिसमें कोर्ट ने फर्जी मामलों को देखते हुए एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कल एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान जो था उसको खत्म कर दिया इस आदेश के बाद। सही ढंग से सरकार ने उनके सामने रखना चाहिए था जो कि नहीं रखा। और ये दलित विरोधी सरकार है, ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट अदालत की आड़ में ये अपना एजेंडा आगे करे। ये कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस की सीनियर नेता हैं। इनका आरोप है कि देश की सर्वोच्च अदालत का एससी एसटी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला फैसला बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा बढ़ाने वाला है। अब पूरा मामला समझिए। पुणे के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में पोस्टेड अफसर डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन ने एक याचिका दायर की थी। महाजन पर कॉलेज के एक कर्मचारी ने एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है और जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है उनकी गिरफ्तारी एसएसपी की इजाजत से ही हो सकेगी। कोर्ट को ये फैसला इसलिए देना पड़ा क्योंकि देश भर में एससी एसटी एक्ट का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट के इसी फैसले पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का दलित विरोधी एजेंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने से पहले एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का सच भी बताया जाना है। सच क्या है अब ये देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के जो आंकड़े 2016 के उसके मुताबिक 2016 में एससी एसटी एक्ट के तहत 11,060 मामले दर्ज हुए। और देखिए, फर्जी कितने निकले, झूठे कितने निकले, 935। यानी 935 शिकायतें एकदम झूठी है। जाहिर है एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, फर्जी शिकायतें आ रही हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो एक्शन लिया। और उसमें भी ये कहा है कि जांच होगी, बहुत गहराई से जांच होगी और उसके बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि बदले के तहत इस एक्ट का इस्तेमाल ना, इसलिए तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी और एंटीसिपेटरी बेल अब मिलेगी इस मामले में।